दोस्तों, फिर हमारा आवर फेवरेट प्लेलिस्ट प्रोग्राम में आ गया। आप लोग को प्रणाम, शुक्रिया, मेहरबान करता हूँ। आज भी मैं ये लता मंगेशकर जी का गाने का सफ़र में और एक गाना आपके लिए पेश करता हूँ कि मतलब आपकी यादों में ये फिर ये गाना मैं उठाएगा यादों से। लता मंगेशकर जी ने ये गाना गा लिया सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए। ये तो राज कपूर साहब का एक अच्छा फिल्म था, 1972 जैसा वक्त में आ गया, नहीं तो 1970 डिकेड में से मिडिल वक्त में आ गया होगा। तो इसका प्रोडक्शन, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सब ने राज कपूर और उन्होंने टीम बनाया। तो कास्टिंग किया शशि कपूर साहब, साथ सीनत अम्मान जी ने इसमें कास्टिंग किया। तो ये कास्टिंग में वो लोग बहुत अच्छा, मतलब इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, इसका रिलीजियस कल्चर में बारे में, इतना बिलीविंग यकीन को बारे में भगवान का ये फिल्म बना दिया है। तो हिंदुस्तान दर्शन की एक तरफ है भगवान, मतलब आस्तिक दर्शन, इसका बारे में ये फिल्म बनाया है। तो बहुत अच्छा फिल्म था, हम छोटा बचपन से हम पसंद करता हूँ ये फिल्म में। तो इसमें एक गाना था सत्यम शिवम सुंदरम, वो गाना लता जी ने गा लिया। तो हम ज़्यादा बात नहीं करना है इसमें, क्योंकि आप लोग को पूरी याद आ रहा है ये गाना। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि ये एक पंडित जी ने इसमें लिरिक्स बनाया और लक्ष्मीकांत प्यारलाल इसमें संगीत दिया है। लता मंगेशकर जी ने की डिवाइन आवाज़ से ये गाना ऐसे गा लिया। तो बहुत अच्छा गाना थे, हमें ये गाना गाने के लिए हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारा तो मेल आवासी है, तो फीमेल आवासी बहुत अच्छा से गा लिया। तो सबको मैं गाना याद करके आज जा रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। मैं हूँ सूरज चामरे, श्रीलंका से यूएई से मैं आपको ये प्रोग्राम पेश करता हूँ, हमारा अब फेवरेट प्लेलिस्ट, हमारा ब्लॉसम्स फैमिली यूट्यूब चैनल से। सबको प्रणाम, शुक्रिया।